अगर आप एक बिगिनर से यूट्यूब के लिए लो प्राइस में एक बेस्ट ट्राइपॉड बाय करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सो आज की इस वीडियो में लो बजट में बेस्ट ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग करके दिखलाने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक ट्राइपॉड है जो कि मैं अमेजोन से मात्र 468 रुपया में बाय किया हूँ। अगर आप भी बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए इसके साथ एक बैग दिया गया है, इसको ओपन करते हैं। देखिए ये ट्राइपॉड रहा, ये काफ़ी लंबा 40 इंच का है, काफ़ी लंबा ट्राइपॉड है। इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके साथ क्या क्या है। देखिए ये 1.5 मीटर का माइक भी दिया गया। अगर आप एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं तो अभी माइक लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, इस माइक से ही काम चल जाएगा। और देखते हैं इसके साथ क्या क्या है। देखिए ये मोबाइल होल्डर है, ये मोबाइल में लगा कर वीडियो शूट कर सकते हैं। और इसके साथ एक रिमोट भी दिया गया है, वीडियो रिकॉर्ड करते समय इस रिमोट से वीडियो को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। आगे वीडियो में बताऊंगा कि इस रिमोट को कैसे कनेक्ट करेंगे। चलिए अब इस ट्राइपॉड को हम सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 फिंगर दिया गया है, सभी अभी लॉक है। इसको ओपन करने के लिए ऐसे ऊपर की ओर पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। चलिए हम सभी को ओपन कर लेते हैं एक एक करके। सभी को अभी ओपन कर लिए हैं, उसके बाद लगाने के लिए फिर ऐसे करेंगे, नीचे की ओर पुश करेंगे तो ये लग जाएगा। अभी हम ट्राइपॉड को सेटअप कर लिए हैं। चलिए हम मोबाइल होल्डर अभी लगा लेते हैं। मोबाइल होल्डर लगाने के लिए ऐसे इसको मूव करेंगे तो मोबाइल होल्डर लग जाएगा। अभी हम मोबाइल होल्डर लगा लिए हैं, उसके बाद देखिए हैंडल है, इसको पीछे की ओर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा इसको ऊपर उठाएंगे और इसको हम टाइट कर देते हैं। अब ये सेटअप हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये बबल टाइप का एक वाटर जैसे होगा, इसका काम ट्राइपॉड को सेंटर में लाने के लिए होता है। अभी यह लैंडस्केप मोड पे है। अभी अगर पोर्ट्रेट मोड पे वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा से मूव करेंगे और ऐसे कर देंगे तो ये पोर्ट्रेट मोड पे हो जाएगा। इसमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड दोनों पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी जो ट्राइपॉड के साथ जो माइक दिया गया है, इस माइक को हम कनेक्ट कर लेते हैं अपने फ़ोन में। चलिए हम इस माइक को कनेक्ट कर लेते हैं ट्राइपॉड के साथ जो दिया गया है। ये रहा माइक, तो इसको हम पहले इस पन्नी से ओपन कर लेते हैं और मोबाइल से हम वीडियो अभी शूटिंग कर रहे हैं तो इस मोबाइल फ़ोन में हम एंड्रॉयड फ़ोन में लगा लेते हैं। चलिए इसको हम एयरफोन जैक में इस माइक को लगा लेते हैं। अभी हम ट्राइपॉड के साथ जो माइक दिया गया था उसको हम कनेक्ट कर लिए हैं। अभी आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं कि कितना क्वालिटी अच्छा है। पहले वाले जो आवाज़ था उसमें नॉइज आ रहा होगा, इस माइक में आपको नॉइज नहीं आता होगा। चलिए अब हम रिमोट कैसे सेटअप करेंगे इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो है अपना मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर लेंगे। अगर कैमरा आप यूज कर रहे हैं तो कैमरा का ब्लूटूथ ऑन करेंगे, मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करेंगे। हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो हम अपना मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। तो चलिए हम अपना मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। अभी हम अपना मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर लिए हैं। चलिए अब रिमोट को सेटअप करते हैं। देखिए ये रिमोट रहा, ऊपर में देखिए सबसे ऊपर बड़ा वाला बटन कैमरा का ऑप्शन है और नीचे वाला एंड्रॉयड के लिए है। अगर आप कैमरा पर यूज कर रहे हैं तो कैमरा पर क्लिक करेंगे, अगर आप एंड्रॉयड के लिए यूज कर रहे हैं तो एंड्रॉयड पर क्लिक करेंगे। हम स्मार्टफोन पर यूज करना चाहते हैं इसलिए हम एंड्रॉयड पर क्लिक करेंगे। और साइड में देखिए यहाँ पे साइड में यहाँ पे एक बटन दिया होगा, यहाँ एक बटन दिया गया, इसको हम ऊपर करेंगे। चलिए इसको ऊपर प्रेस करते हैं। देखिए ये लाइट ब्लिंक करने लगा, ब्लू कलर का लाइट। देखिए मेरे ये फ़ोन से रिमोट सेटअप हो चुका है। आपको इतना लो बजट में इतना सारा फीचर किसी भी ट्राइपॉड में नहीं मिलेगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाके अभी बाय कर लीजिए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का ट्यूटोरियल मैं लाता रहूँगा। अगर मन में कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।